नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भले ही फिसल गए हों, लेकिन जिस तरह से पल पल सियासी हालात बदल रहे हैं उससे लगता है ये बात पुरानी हो गई है। कांग्रेस के हाथों तीन बड़े राज्य गंवाने के बावजूद बीजेपी का जोश इन दिनों हाई लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार के हाल ही में लिए गए कुछ बड़े फैसले। जिस तरह से मोदी सरकार ने अचानक सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला लेकर तमाम विरोधियों को सन्न कर दिया और उन्हें भी सदन में बीजेपी सरकार के इस फैसले का समर्थन करने पर मजबूर कर दिया। डेरिक बाबू क्रिकेट को काफी चिंता करते हैं उसकी, कई बार उनका क्रिकेट का आजकल देख रहे हैं कि उनके बचपन की कहानियां बहुत आती हैं, अच्छा लगता है हमको सुन करके। हालांकि उनके बाकी कहानियां भी बहुत है, वो भी हमको मालूम है, इंक्लूडिंग इज योर डेज ऑफ द ग्रेट क्विज मास्टर, बट वो चर्चा बाद में करेंगे। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको, जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है, तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आप तो हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है, हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश की जनता एनडीए बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी, हमारा बड़ा विश्वास है। और फिर 1 फरवरी को ही सरकार ने आखिरी बजट पेश कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। बजट में मोदी सरकार ने करदाता, अन्नदाता और मतदाता तीनों का ही ख्याल रखा, जिससे एक बार फिर कांग्रेस समेत तमाम दल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इंटरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। ये जो देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है। उसका श्रेय और उसका यश उन्हीं को जाता है, भारत की जनता को जाता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में विकास एक जन आंदोलन बन गया है। हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने नए सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के स्तर पर अनंत संभावनाओं से भरा हुआ देश ऐसे देखा जाता है। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सब ने साथ मिलकर अभी नींव रखी है, वी हैव ओनली क्रिएटेड द फाउंडेशन। अब भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम अप टू ₹5 lakhs विल गेट फुल टैक्स रिबेट।
जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। Support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of ₹2,000 each. This program will be funded 100% by the government of India. इन बड़े फैसलों के दम पर बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर जनता मोदी सरकार को सत्ता दिलाएगी। इसी भरोसे पर बीजेपी ने 2019 चुनाव के लिए फिर एक बार मोदी सरकार के साथ ही अब की बार 400 पार का नारा देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। वैसे कहते भी हैं कि सेनापति वही दमदार होता है जो अपनी सेना को हमेशा जोश से लबरेज रखे। अमित शाह इन दिनों यही काम कर रहे हैं। बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के 65 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों होती? क्या गुनाह है उनका? गुनाह इतना ही है कि ममता जी की सिंडिकेट का हम विरोध करते हैं, उनके भ्रष्टाचार का हम विरोध करते हैं, उनके परिवारवाद का हम विरोध करते हैं, उनके लोगों के द्वारा किए गए बम धमाकों का हम विरोध करते हैं, इनके द्वारा फैलाई गई अराजकता का हम विरोध करते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया है। और कितने दिन करोगे? परमिशन नहीं देना, यात्रा ना निकलना, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देना, कार्यकर्ताओं की हत्या कर देना। ममता दी, मेरी बात ढंग से सुन कर रखना। मई के अंत में लोकसभा का काउंटिंग होगा, सुबह 9 बजे काउंटिंग शुरू होगा, 10 बजे तक पहला राउंड, 11 बजे तक तीसरा राउंड, 12 बजे तक पांचवा राउंड, 1 बजे काउंटिंग खलास और 2 बजे ममता बनर्जी की सरकार। ये बंगाल, ये पश्चिम बंगाल इस बार नरेंद्र मोदी के साथ जाने का फैसला कर बैठा है। मैं जहां ही जाता हूं हजारों लाखों की भीड़ दिखाई देती है। राज्यों में अलग अलग टारगेट सेट करने वाले शाह ने कार्यकर्ताओं के लिए पूरे देश में इस बार 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब की बार 400 पार नारे पर बीजेपी के तेज तर्रार युवा नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने बीते 4.5 साल में काम किया है, उसे देखते हुए देश की जनता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम पद पर देखना चाहती है। 2014 की जीत का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, 1984 में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एक पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया हो। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई बड़े फैसले लिए, इसलिए बीजेपी 2019 में 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में हार के बावजूद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि इन तीनों ही राज्यों के परिणाम का असर आने वाले चुनाव पर नहीं पड़ेगा। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता एक बार फिर समझ चुकी है कि ये वादे पूरे नहीं करते और झूठ बोलते हैं। बात पिछले चुनाव की करें तो 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को सिर्फ पीएम उम्मीदवार बनाया और मोदी लहर के दम पर बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 336 सीटें जीतने में कामयाब रही थी।
तो वहीं अकेले दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर 282 सीटें जीत गई थी। लेकिन इस बार सरकार 5 साल के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी को लगता है इस बार अपने काम के दम पर पार्टी दोबारा सत्ता में लौटेगी। तो वहीं अनुराग ठाकुर को लगता है कि जनता ने 2014 में बीजेपी का काम नहीं देखा था, इसके बावजूद जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और पार्टी 282 सीटें जीतने में सफल रही थी। अनुराग ठाकुर को भले ही लगता है कि इस बार कांग्रेस को 2014 के मुकाबले और भी कम सीटें मिलेंगी, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी वाकई 2019 में अब की बार 400 पार का जादुई आंकड़ा पार कर पाती है।